आई हैव बीन शॉट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में, और आपको बताएंगे यह फिल्म अपने 7 दिनों में कितने करोड़ रुपए की एडवांस कमाई करने में कामयाब रही, और फिल्म ने एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में कौन कौन सी फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ा। तो दोस्तों, यह सब जानने से पहले बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में। आपको बता दें, अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी में आपको अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ लीड रोल में दिखाई देगी। वहीं फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन और रणवीर सिंह का भी काफी जबरदस्त कैमियो होगा, जिस वजह से इस फिल्म को लेकर चारों स्टार के फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिस वजह से सभी का मानना है यह फिल्म लाइफ टाइम 300 करोड़ रुपए की कमाई करेगी, तभी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो पाएगी। लेकिन अगर फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपने पहले दिन एडवांस बुकिंग कलेक्शन से लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल एडवांस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को एडवांस बुकिंग ओपन हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का 7 दिनों का टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन 8 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जिस वजह से हो सकता है इस फिल्म का पहले दिन का ओपनिंग कलेक्शन 25 से 30 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। लेकिन यह देखना काफी दिलचस्प होगा, आखिरकार यह फिल्म अपने पहले दिन 40 से 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर पाती है या नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार के फैंस का मानना है यह फिल्म अपने पहले दिन 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सूर्यवंशी फिल्म का पहले दिन का ओपनिंग कलेक्शन कितना रहेगा? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़? और इस फिल्म को हिट कहोगे, सुपर हिट कहोगे, ब्लॉकबस्टर कहोगे, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहोगे या कहोगे फ्लॉप? आपकी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बता रहे। हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे स्टूडियो को लाइक करो, जाते जाते और हमारे चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।